गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम ख्याति पटेल फ्रॉम श्रमिक विद्यालय। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। वो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 2, कैस्केडिंग स्टाइल शीट एंड जावास्क्रिप्ट। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के अंदर फॉर्म कैसे बनाते हैं वो देखा। कंपोजर के अंदर हम लोगों ने फॉर्म कैसे जनरेट होता है वो हम लोगों ने देखा। आज हम इस चैप्टर के अंदर वो फॉर्म के लिए स्टाइल कैसे अप्लाई करते हैं उसके बारे में ये सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर 2 टॉपिक आपकी इम्पोर्टेंट है। कैस्केडिंग स्टाइल शीट क्या है एंड दूसरा टॉपिक है आपका जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहले कैस्केडिंग स्टाइल शीट का शॉर्ट फॉर्म है CSS, जिसे आप लोग फुल फॉर्म बताओगे कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग स्टाइल शीट ये CSS का फुल फॉर्म है। अब ये आपको वेब पेज के अंदर क्यों डालना है, तो आपको वेब पेज के अंदर स्टाइल अप्लाई करने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेटिंग्स अप्लाई करने के लिए CSS का यूज़ करना पड़ता है। ये फॉर्मेटिंग आप लोग पर्टिकुलर पैराग्राफ को भी अप्लाई कर सकते हो, पर्टिकुलर हेडिंग को भी अप्लाई कर सकते हो, या तो फिर कोई किसी भी चीज़ पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी होती है तो आपको ये CSS का यूज़ करना पड़ता है। अब ये CSS के लिए आप लोग, ये CSS का यूज़ करने से आप लोग कोडिंग के अंदर डुप्लीकेशन को रिमूव कर सकते हो, या तो फिर आप लोग कोड को अच्छे से सेट भी कर सकते हो। अब ये CSS को फॉर्म के अंदर यूज़ कैसे करना है उसकी सिंटैक्स आपको समझनी होगी। तो CSS को लिखने की सिंटैक्स क्या है वो आपको समझना होगा। तो सबसे पहले CSS की सिंटैक्स में रूल्स नाम के एक स्पेशल सिंबल का यूज़ होता है। रूल्स नाम का एक स्पेशल सिंबल का यूज़ CSS की सिंटैक्स के अंदर होता है, और ये CSS रूल्स के दो पार्ट्स हैं। CSS रूल्स उसके दो पार्ट है। पहला पार्ट है जिसे बोला जाता है सिलेक्टर, और दूसरा पार्ट है जिसे बोला जाता है डिक्लेरेशन। पहला पार्ट है सिलेक्टर और दूसरा पार्ट है डिक्लेरेशन। तो ये दोनों पार्ट से क्या होगा, तो सिलेक्टर जो है, ये सिलेक्टर है वो आपका HTML एलिमेंट है। HTML एलिमेंट है जो सिलेक्टर है वो, मतलब आपको किसके ऊपर स्टाइल अप्लाई करनी है वो आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, और वो आपका HTML एलिमेंट रहेगा। और डिक्लेरेशन के अंदर हम लोग कौन सी स्टाइल चाहिए वो हम लोग वहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो अब इसकी जनरल सिंटैक्स में आप लोगों को इसको लिखना कैसे है, तो ये सिंटैक्स में आप लोगों को सबसे पहले सिलेक्टर का यूज़ करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा सिलेक्टर, उसके बाद यहाँ पे कंपलसरी कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करना है, उसके बाद आपको उसकी प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी, उसके बाद कंपलसरी कॉलन सिंबल, और उसके बाद वैल्यू। अब इसको एग्जांपल की बात करते हैं, तो फॉर एग्जांपल सिलेक्टर मतलब मैं हेडिंग जो मेरे फॉर्म है उसके अंदर, फॉर्म के अंदर के हेडिंग के लिए मैं स्टाइल अप्लाई करना चाहती हूँ, तो मेरा सिलेक्टर फॉर एग्जांपल H1 है। H1 मैंने क्यों लिखा, तो हेडिंग के लिए हमारे पास H1 to H6 स्टाइल है। आप लोग कोई भी स्टाइल यूज़ कर सकते हो। तो सपोज़ मान लो कि मैंने H1 हेडिंग के लिए स्टाइल अप्लाई करनी है, तो मैंने एग्जांपल में ये सिलेक्टर को चूज़ किया H1। ये ब्रैकेट सेम आएगा। अब ये प्रॉपर्टी क्या है, मतलब आपको ये हेडिंग में आप लोग क्या फॉर्मेटिंग देना चाहते हो, मतलब मुझे हेडिंग में वो हेडिंग के केस को चेंज करना है, मुझे उसके कलर को चेंज करना है, या तो फिर मुझे उसका अलाइनमेंट चेंज करना है, या तो फिर मुझे उसका बैकग्राउंड देना है, क्या कौन सी प्रॉपर्टी आपको सेट करनी है वो देनी है। सपोज़ समझ लो मैं हेडिंग का कलर सेट करना चाहती हूँ, तो मेरी प्रॉपर्टी आएगी कलर, उसके बाद कॉलन का सिंबल सेम रहेगा, और वैल्यू मीन्स कलर के लिए वैल्यू। सपोज़ मान लो कि मैं हेडिंग को रेड कलर देना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पर रेड लिख रही हूँ रेड, और ये ब्रैकेट मेरा क्लोज हो गया। तो ऐसे आप लोगों को CSS की सिंटैक्स, ऐसे आप लोगों को यूज़ करनी है। ये उसकी सिंटैक्स है और ये उसका एग्जाम्पल है। अब ये CSS को आपके फॉर्म में अप्लाई करने के लिए, यूज़ करने के लिए आपको टूल्स मेनू में जाना है, और वहाँ से आपको
प्रेफरेंसेस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। टूल्स मेनू के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रेफरेंसेस, तो ये प्रेफरेंसेस पे क्लिक करने से आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा और वो डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको कुछ चीज़ देखने को मिलेगी। देखो ये डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ऑप्शंस नाम का एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है जिसके अंदर ये जनरल है, उसके अंदर आपको ये कुछ ऑप्शंस यहाँ पे मिल रहे हैं। इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन ये CSS अप्लाई करने से पहले वो क्लिक करोगे तो ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इस डायलॉग बॉक्स को सिंपली आपको ओके क्लिक कर देना है। अब सपोज समझ लो कि आप लोगों को ये जो अब नेक्स्ट जो टेक्स्ट बुक में दिखाया है वो टेक्स्ट बुक में ये हेडिंग के लिए ये सारी फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए बोली गई है। मतलब उसका हेडिंग आप लोग छोड़ोगे, उसका फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए, उसका केस अपर केस होना चाहिए, उसका अलाइनमेंट सेंटर्ड अलाइंड होना चाहिए, मतलब हेडिंग आपका बीच में आना चाहिए, बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू होना चाहिए और बॉर्डर डॉटेड होनी चाहिए। ऐसा ये फॉर्मेटिंग आपको अप्लाई करनी है। तो आपको कैसे करना है तो आप लोग कंपोजिशन टूल बार पे देखोगे। हम लोगों ने जब स्क्रीन देखी थी तब देखा था कंपोजिशन टूल बार पे ये एक CSS का बटन रहेगा जिसके ऊपर ये CSS ऐसा लिखा हुआ रहेगा। वो बटन का नेम है आपका कास्केड बटन। ये बटन आपका रहेगा कास्केड बटन जो इसकी स्क्रीन पे कंपोजिशन टूल बार पे मिलेगा। कौन से टूल बार पे मिलेगा? कंपोजिशन टूल बार पे मिलेगा। इस टूल बार पे आपको क्लिक करना है, लेकिन क्लिक करने से पहले सबसे पहले आपकी फाइल यहाँ पे सेव होनी चाहिए। आपकी फाइल सेव होनी चाहिए। अगर फाइल आपकी सेव नहीं है, अगर आपकी फाइल सेव नहीं है तो ये बटन पे क्लिक करने से आपके पास पेज टाइटल का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। मतलब आपको फाइल सेव करने के लिए जो डायलॉग बॉक्स आता है वो डायलॉग बॉक्स सबसे पहले खुलेगा। मतलब आपको फाइल सबसे पहले सेव करनी पड़ेगी। जैसे आप लोग फाइल सेव कर लोगे और बाद में ये बटन पे क्लिक करोगे तो ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिस डायलॉग बॉक्स का नेम दिया गया है CSS स्टाइल शीट। ये डायलॉग बॉक्स का नेम दिया गया है CSS स्टाइल शीट डायलॉग बॉक्स CSS स्टाइल शीट। यहाँ पे आपको ये ड्रॉप डाउन में से हम लोगों को H1 हेडिंग के लिए स्टाइल अप्लाई करनी है तो यहाँ से H1 सिलेक्ट करके ये क्रिएट स्टाइल रूल बटन पे क्लिक करके ओके कर देना है। तो आपका ये हेडिंग के लिए नया एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अब ये जो डायलॉग बॉक्स है ये डायलॉग बॉक्स को आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि अब ये डायलॉग बॉक्स के अंदर आपके जो ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं वो सारे ऑप्शंस आपकी एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो डायलॉग बॉक्स खुला है वो डायलॉग बॉक्स का नेम है CSS स्टाइल शीट्स। ये आपके डायलॉग बॉक्स का नेम है। तो उसके अंदर के टैब्स सबसे पहले आपको देखने हैं। तो ये जो है ये उसके अंदर के सारे टैब्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहला टैब है आपका जनरल, दूसरा टैब है आपका टेक्स्ट, थर्ड टैब है आपका बैकग्राउंड, फोर्थ टैब है आपका बॉर्डर, फिफ्थ टैब है आपका बॉक्स, सिक्स है लिस्ट और सेवन है एरो। टोटल आपके पास 7 टैब है यहाँ पे। तो एग्ज़ाम में ऐसे भी पूछते हैं कि CSS स्टाइल शीट के डायलॉग बॉक्स में कितने टैब देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे आपको 7 टैब देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे ये सबसे पहले जो बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होता है वो जनरल टैब होता है, ठीक है। अब ये जो आप लोगों ने यहाँ से जो आप लोगों ने H1 स्टाइल सिलेक्ट की है वो आपको यहाँ पे इंटरनल स्टाइल शीट के ऑप्शन के नीचे मिलेगी। एग्ज़ाम में ये भी पूछते हैं कि ये जो H1 आप लोगों ने सिलेक्ट किया वो किसके नीचे मिलता है, तो वो इंटरनल स्टाइल शीट के नीचे आपको देखने को मिलेगा। अब इसके ऊपर आपको करना कुछ नहीं है, ये जनरल टैब खुलेगा, ये H1 यहाँ पे दिखेगा, आपको सिंपली यहाँ से ओके कर देना है। जैसे आप लोग यहाँ से ओके करोगे आपके पास नया एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा और उसके अंदर ये दूसरा आपका टैब खुलेगा।
अगेन डायलॉग बॉक्स यही रहेगा, CSS स्टाइल शीट का ही डायलॉग बॉक्स रहेगा, लेकिन उसके अंदर जो टैब खुला है वो आपका टेक्स्ट टैब है, ठीक है। तो ये टैब भी आपको, ये पूरा डायग्राम भी, ये पूरा डायलॉग बॉक्स भी आपको अच्छे से याद रखना है। इसके अंदर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि CSS स्टाइल शीट में जो टेक्स्ट टैब है उसमें आपको कौन से ऑप्शन देखने को मिलते हैं और कौन से ऑप्शन देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये फॉन्ट फैमिली ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, फिर आपको ये फॉन्ट साइज का ऑप्शन देखने को मिलता है, फिर ये लाइन हाइट का दिखता है, फिर कलर का दिखता है, फॉन्ट वेट का दिखता है, फॉन्ट स्टाइल का दिखता है, केस का मिलता है, अलाइनमेंट का आता है और टेक्स्ट डेकोरेशन, इतने ऑप्शन आपको ये डायलॉग बॉक्स में मिलते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन इसमें से ये पूछते हैं। फिर नीचे आपको यहाँ पे थर्ड टैब दिखाया है, वो थर्ड टैब आपका बैकग्राउंड है। अगर आपको हेडिंग के बैकग्राउंड में कुछ कलर चाहिए, तो कलर चाहिए तो यहाँ से ये कलर पैलेट पे से कलर आप लोग ले सकते हो, और बैकग्राउंड में कुछ इमेज चाहिए तो यहाँ से चूज फाइल में से इमेज ले सकते हो। अगर आपको कलर लेना है तो ये कलर पैलेट पे क्लिक करोगे तो आपकी कलर पैलेट खुल जाएगी, ऐसे जो कलर चाहिए वो ले लेना है। जो कलर सेलेक्ट करोगे वो यहाँ पर आपको नीचे प्रिव्यू के अंदर दिखेगा और इसको सिंपली आपको ओके कर देना है। अब नेक्स्ट है आपका टैब, वो आपका बॉर्डर्ड टैब है। नेक्स्ट आपका टैब कौन सा रहेगा? बॉर्डर। तो बॉर्डर के अंदर आपको टॉप में कैसी बॉर्डर चाहिए, राइट में कैसी चाहिए, बॉटम में कैसी चाहिए, लेफ्ट में कैसी चाहिए, ऐसी बॉर्डर आपको यहाँ से सेट करनी है। तो ये फोर टैब आपको यहाँ पे बुक के अंदर डिस्प्ले करके दिखाए हैं। ये फिफ्थ, सिक्स और सेवन टैब का कोई ऐसा स्क्रीन डिस्प्ले नहीं हुआ है। तो एग्ज़ाम में अब तक आप लोगों को यहाँ पे बॉर्डर टैब तक ही एग्ज़ाम में डायलॉग बॉक्स में से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये इसके डायलॉग बॉक्स नहीं दिखाए हैं, तो इसमें आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। फिर आप लोग अगर फर्स्ट जनरल टैब पे आ जाओगे, इतना करने के बाद मेरा इतना स्टाइल हो गया, फिर मैंने जनरल टैब पे मैं आ जाऊंगी, तो मैंने जो स्टाइल अप्लाई की है वो सारी, मतलब मैंने ये सारे टेक्स्ट बॉक्स में से जो भी स्टाइल अप्लाई की है वो आपको जनरल टैब में ये कोडिंग के साथ आपको मिलेगी। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये पूछते हैं, वो आपका जो कोड है CSS का, वो CSS का कोड आपको ये कौन से टैब के अंदर देखने को मिलता है? तो वो टैब रहेगा आपका जनरल टैब, ठीक है। बाद में आप लोगों को जनरल टैब के अंदर वो कोड देखने मिलेगा, फिर आप लोगों को जो आप लोगों ने ये जो भी स्टाइल अप्लाई की है वो सारी स्टाइल आपको यहाँ पे ऐसे देखने को मिलती है। और बाद में आप लोगों को यहाँ पे ये डिज़ाइन टैब पे क्लिक करते हो तो इसका CSS का कोड यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ऐसे आप लोग फॉर्म के अंदर CSS अप्लाई कर सकते हो। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका CSS के एडवांटेजेस क्या है। तो CSS आप लोगों को सबसे पहले स्टाइल को अप्लाई करने के लिए यूज़ होती है। तो ये स्टाइल अप्लाई करने के लिए आपको सिर्फ CSS फाइल के अंदर चेंज करना पड़ता है, तो वो सारी स्टाइल फॉर्म के अंदर अप्लाई हो जाती है। दूसरा, आपको CSS फाइल के अंदर HTML के कंपैरिजन में लेस कोड ऐड करना पड़ता है, ठीक है। और CSS का डिसएडवांटेजेस देखिए, CSS का डिसएडवांटेजेस, तो CSS का एक ही डिसएडवांटेजेस है और वो ये है कि CSS की कंपैटिबिलिटी वेरीज विथ डिफरेंट ब्राउजर, वो डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर के साथ उसकी कंपैटिबिलिटी चेंज होती रहती है। इसका मतलब क्या? तो अगर मैं CSS के अप्लाई की हुई फाइल को डिफरेंट डिफरेंट ब्राउज़र में खोल के देखूंगी, मतलब मैं उसको फायरफॉक्स के अंदर देखूंगी, क्रोम के अंदर देखूंगी, सफारी के अंदर देखूंगी, इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर देखूंगी, ऐसे अगर डिफरेंट डिफरेंट ब्राउज़र के अंदर देखूंगी, तो वहाँ पे उसकी जो स्टाइल है वो उसकी स्टाइल के अंदर मुझे वेरिएशन देखने को मिल सकता है, ये उसका डिसएडवांटेजेस है। लेकिन हाल में अभी सारे ब्राउज़र ये CSS को सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये डिसएडवांटेजेस आपको अभी के हाल के ब्राउज़र के अंदर देखने को नहीं मिलता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट जावास्क्रिप्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।